तेजस लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी HAL ने मलेशिया के कुआलालंपुर में एक कार्यालय खोलने के लिए एक समझौता किया, जिसके बाद कंपनी के शेयरों में तेजी नजर आई। HAL ने कहा, कुआलालंपुर में HAL का कार्यालय खोलने से न केवल मलेशिया में बल्कि पूरे दक्षिण और पूर्व एशिया में HAL के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का बाजार में प्रचार किया जाएगा। HAL के शेयर 2% से अधिक चढ़ गए हैं। कंपनी ने कहा कि उन्हें मलेशिया के कुआलालंपुर में एक कार्यालय खोलने के लिए समझौता किया है। HAL के शेयर दोपहर 12 बजे के दौरान BSE पर पिछले बंद से 2.1% ऊपर 2,339 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। HAL ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि मलेशिया में कार्यालय खोलने को फाइटर लीड एंड ट्रेनर LCA और रॉयल मलेशियन एयरफोर्स की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए व्यवसाय अवसर प्राप्त होंगे। HAL ने RMAF द्वारा जारी ग्लोबल निविदा समाप्त 18 फ्लीट LCAS की आपूर्ति के लिए अक्टूबर 2000 के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को प्रस्ताव दिया है। HAL ने कहा कि RMAF द्वारा मांगे गए सभी मानकों कंपनी पूरा करती है, लिहाजा LES तेजस को निविदा से विजेता घोषित किया जा सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए कार्यालय न केवल मलेशिया पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया में HAL के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की श्रृंखला का बाजार में प्रचार रहेगा।